तो हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो आप सभी लोग। फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो के साथ और मेरा नाम है ससीम और आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो भाई पिछले वाले वीडियो में भाई लोग ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो इसके लिए थैंक्स भाई। तो ऐसे ही भाई आप सभी लोग सपोर्ट करते रहना, क्योंकि भाई ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा आपके लिए। भाई एक बंदे ने बोला था भाई मेरे को पार्ट टू चाहिए इसका, तो मैंने भाई ओके बोल दिया था। तो भाई आज हम बनाने जा रहे हैं इसका पार्ट टू, जो कि हिंदी एनिमे का पार्ट टू है, ठीक है। तो भाई लोग आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो और मेरा 300 सब्सक्राइबर का बहुत करीब हो चुका हूँ। तो भाई लोग आप सभी लोग सपोर्ट करना, तो मेरे को 300 सब्सक्राइबर गोल कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो भाई चलिए आप बढ़ते हैं हमारे वीडियो के अंदर आप सभी लोगों के साथ। भाई जरूर से फुल वीडियो देखना, बिना देखे मत जाना, ठीक है। तो इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा एनिमे है। भाई हमारा 50 नंबर में है माई हीरो एकेडमी। भाई आप सभी लोगों को तो पता ही होगा भाई मैंने पिछली वाली वीडियो में इसका नाम बोला था, पर एक्सप्लेन उतना अच्छा से नहीं कर दिया था। तो भाई हमारा मेन कैरेक्टर का नाम होता है देखो, ठीक है। तो इसके पास भाई बिना पावर का पैदा हो जाता है ये बंदा, क्योंकि भाई इसके पास पावर ही नहीं होता, तो ठीक है। तो हमारा मेन हीरो मिलता है एक दिन ऑल मैच से, तो भाई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि भाई उसका पावर इसको दे देगा और भाई ये बहुत ही शक्तिशाली बनेगा और दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा काम करेगा। तो भाई ज़्यादा नहीं बोलता, भाई स्पॉइलर हो जाएगा। हमारा 4th नंबर में है भाई ब्लीच। इसमें क्या होता है मेरे को बताने का ज़रूरत नहीं है, भाई आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, पर नहीं देखा होगा तो भाई आप सभी लोग जाके देख लेना। भाई हमारा मेन कैरेक्टर होता है बदली की आग में। भाई कितना खतरनाक पावर होता है इसके पास आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, क्योंकि भाई मैं भी अभी अभी देखना चालू किया हूँ, तो भाई जाके देख लेना, ठीक है। हमारा 3rd नंबर में है ड्रैगन बॉल जी। भाई आप सभी लोगों को तो पता ही होगा ये कितना खतरनाक एनिमे है। जिसको नहीं पता भाई मैं बोल दे रहा हूँ, इसका मेन कैरेक्टर का नाम होता है गोकू। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, नहीं पता है तो भाई जाके देख लेना। भाई इतना खतरनाक एनिमे है ना भाई, क्या बताऊँ, आप सभी लोग जाके देख लेना। हमारा 2nd नंबर में है डेथ नोट। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा भाई ये कितना खतरनाक सा एनिमे है। जिस जिसको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, इसका मेन कैरेक्टर का नाम होता है लाइट आगामी। भाई इतना एक दिन इसको अचानक से डेथ नोट मिल जाता है, तो भाई इस ये इतना खतरनाक सा उसका इस्तेमाल करता है। भाई जितना भी क्रिमिनल होता है, भाई 2 लाख से भी ज़्यादा क्रिमिनल को इसने मार दिया होता है डेथ नोट पे लिख के नाम। भाई जिसका नाम लिखा होता है उधर ही हत्या का आके मर जाते हैं या फिर कोइंसिडेंस से मर जाते हैं, क्योंकि भाई ये इतना खतरनाक इस्तेमाल करता है। भाई और इस ये इतना खतरनाक एजेंट है ना भाई, आप सब लोग पता ही नहीं होगा, तो आप सब लोग जाके देख लेना भाई। तो भाई क्या ही बताऊँ भाई, मैं भी देख रहा था तो भाई गोस्पम्स से जरूर से आया था, आप सब लोग भी जाके जरूर से देख लेना। हमारा 1st नंबर में है डेमन स्लेयर। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा भाई ये कितना खतरनाक एनिमे है, क्योंकि भाई इसको भाई मैं फर्स्ट टाइम जब देखा ना भाई, इसका एनिमेशन का तो भाई बात ही नहीं कर सकता। और भाई इसको देखने के बाद भाई मेरे अंदर इतना खतरनाक सा घोस्ट पंप आया ना भाई, क्या ही बताऊँ। इसका मेन कैरेक्टर का नाम है तांजीरो कामाडो। तो भाई आप सभी लोग जाके जरूर से देख लेना, इतना खतरनाक फाइट होगा भाई, क्या ही बोलूँ, आप सब लोग जरूर से जाके देख लेना ये खतरनाक सा एनिमे है। भाई वीडियो कैसी लगी भाई आप सभी लोग जरूर से कमेंट में बताना, क्योंकि भाई आप सभी लोगों के सपोर्ट के वजह से ही मैं अभी 200 सब्सक्राइबर में पहुंच चुका हूं, तो आप सभी लोग जरूर से सपोर्ट करना। तो भाई कैसा लगा और वो भी बताना, और अगली टॉपिक्स भाई किस में चाहिए तो आप सभी लोग बताना, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई, वो घंटा है ना भाई, घंटा को भी ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि भाई वो नहीं आएगा तो भाई आप सभी लोगों के पास आएगा नहीं।